प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल वो जो इस देश का हर माँ बाप पूछ रहा है, जो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है और उसकी स्कूल फीस भरने में सौ सौ आंसू होता है। सवाल ये कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली कब रुकेगी। इंडिया न्यूज ने लगातार मुहिम चलाई और इस सवाल को आवाज देने की कोशिश भी की। हमारी कोशिश, अदालत की सख्ती और दिल्ली सरकार के दबाव का नतीजा यह है कि दिल्ली में स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई। एक वक्त था कि अगले महीने की फीस कहां से आएगी, इस सवाल की तलवार मां बाप के सिर पर लटकती रहती थी, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों के सिर पर इस बात की तलवार लटक रही है कि कहीं दिल्ली सरकार उनको टेक ओवर तो नहीं कर लेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए कि दिल्ली में कैसे केजरीवाल सरकार और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार लगे रहे स्कूलों की फीस की टीस कम करने को लेकर और कैसे उसका नतीजा दिखने भी लगा। दिल्ली सरकार ने कैटेगोरिकली कोर्ट में कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करवाएंगे और जो स्कूल लागू नहीं करेंगे सरकार फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें टेक ओवर कर सकती है। 459 स्कूल्स हैं जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है कि अगर आप अनिल देव सिंह कमेटी को कंप्लाई नहीं करेंगे, उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करेंगे, तो सरकार मजबूरन ये कदम उठा सकती है कि आपको टेक ओवर करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सुना आपने, मतलब साफ है, या तो स्कूल अपनी मर्जी से मनमानी फीस वसूलना बंद कर दे या फिर सरकारी टेक ओवर के लिए तैयार हो जाए। दिल्ली के जिन 449 स्कूलों ने अपनी मर्जी से फीस बढ़ाई थी उन्हें दिल्ली सरकार टेक ओवर करने की प्रक्रिया का पहला कदम उठा चुकी है। एलजी से मंजूरी मिलने के साथ ही स्कूलों को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि स्कूलों ने ज्यादा ली गई फीस नहीं लौटाई तो अगला कदम स्कूलों के टेक ओवर तक का हो सकता है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स का मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 449 प्राइवेट स्कूल्स को सो कॉज नोटिस दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मथुरा रोड में और ठीक सामने आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल दिख रहा होगा। कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस ना बढ़ाएं, लेकिन इन तमाम स्कूलों ने फीस बढ़ाई और उसके बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से इन तमाम स्कूलों को सो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। स्कूल ने हमारे से एक फॉर्म फिल करवाया था फी रिफंड का, लेकिन उस बात को भी लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं। अभी थोड़ी आशाएं धूमिल होती जा रही है हमारी, देखते हैं। बाकी अभी फिर दोबारा एक वो आया है सर्कुलर के दो हफ्ते के अंदर उनको फी रिफंड करनी है, फी जो एक्स्ट्रा ली है उन्होंने। गवर्नमेंट का कि हाँ इनकी फीस रिफंड होनी चाहिए बच्चों की, और अगर होती है तो हम गवर्नमेंट के बहुत आभारी रहेंगे। अगर दिल्ली सरकार ने स्कूल टेक ओवर किए तो दिल्ली सरकार के पास इसका अधिकार आ जाएगा कि वो तय कर सके कि बच्चों से ली जाने वाली फीस क्या होगी, उनकी पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, टीचरों की तनख्वाह कितनी बढ़ेगी और कब बढ़ेगी, विभिन्न मदों में लिए जा रहे गैर जरूरी शुल्क बंद होंगे और स्कूल को पाई पाई का हिसाब देना होगा। दिल्ली सरकार और कोर्ट के सख्त रवैये से कई स्कूल अभी से बैकफुट पर आ गए हैं। 17 स्कूलों ने ज्यादा वसूली गई फीस कोर्ट में जमा करा दी है। बाकी स्कूलों के पास अब 3 विकल्प हैं, या तो 14 दिन के भीतर बढ़ी हुई फीस लौटाएं, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, या फिर स्कूलों के टेक ओवर के लिए तैयार हो जाए। कोर्टों ने कभी भी, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट तक, पूरे देश की कोर्टों ने कभी भी प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के खिलाफ कभी भी जो है उनको जो है सपोर्ट नहीं किया, और सारे जजमेंट्स जो है ना वो प्राइवेट स्कूल के खिलाफ ही हुए हैं, जहां जहां भी बच्चे की पढ़ाई के मामला हो, जहां भी फीस का मामला हो। तो मुझे लगता है ये एक अनोखी बात है इस देश के अंदर। जो स्कूल इतने पर भी मनमानी से बाज नहीं आएंगे उन्हें सरकारी स्कूलों की तरह दिल्ली सरकार चलाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे बच्चों की पढ़ाई और उसकी क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। अजीत श्रीवास्तव के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सवाल यह है कि जो दिल्ली में हो रहा है वो देश में क्यों नहीं हो सकता। सरकार किस दबाव में स्कूल शिक्षा के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, ये मां बाप को, मीडिया को, अदालतों को दिख रहा है तो सरकारों को क्यों नहीं दिख रहा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन सच ये है कि कई बार सरकारें आंखें मूंदे बैठी रहती हैं और ऐसे में बतौर मीडिया हमने जिम्मेदारी निभाई कि वो बंद आंखें खुलवाई जाए। इंडिया न्यूज पर हमारे खास शो जवाब तो देना होगा में हमने लगातार कैसे स्कूल फीस के इस मुद्दे को जिंदा रखा, कैसे सरकारों पर दबाव बनाया और कैसे उसका असर भी दिखा, वो भी दिखाते हैं। ये उस मुहिम की झलक है जो इंडिया न्यूज ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ लगातार चलाई।
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, अहमदाबाद से लेकर पटना तक, हर जगह के माँ बाप का दर्द हमने लगातार उठाया और स्कूलों से पूछते रहे कि ये मनमानी फीस वसूली कब रुकेगी। हम समझते हैं कि एक आम आदमी की कमर कैसे टूट रही है बच्चों की स्कूल फीस देने में। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी आवाज बनने वाला नहीं है, और इसीलिए इंडिया न्यूज पर हम लगातार बेलगाम स्कूल फीस का मुद्दा उठा रहे हैं। सीधा सवाल ये कि यूपी की योगी सरकार स्कूलों की मनमानी पर रोक कब लगाने जा रही है। इंडिया न्यूज की इस मुहिम में गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज पर ही वादा किया कि वो स्कूलों की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। सर्व शिक्षा अभियान लाने से या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देने भर से सरकारों का काम खत्म नहीं हो जाता। शिक्षा मिले और बेहतर शिक्षा मिले, सबको मिले, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है। अच्छी शिक्षा सिर्फ पैसे वालों के बूते की बात रह जाएगी तो देश का भविष्य भी पैसे वालों का ही होकर रह जाएगा। और जिस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, वहां अगर गरीबों और मिडिल क्लास को बच्चों को पढ़ाने में कमर टूटने लगे तो सरकार के लिए भी शर्म की बात है। दिल्ली सरकार अगर स्कूलों पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकती है तो दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो हो क्यों नहीं रहा। सवाल तो हम पूछते रहेंगे, लेकिन आज के लिए प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार।